अब चलते हैं अक्वेरियस की तरफ। हमारे अक्वेरियस दोस्तों के लिए ये जो ट्रांजिट है, इसका आप समझ लीजिए कि आपका ये जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फर्क डालने वाली, वो अक्वेरियस जिन्हें औलाद की जरूरत है, या जिनका औलाद के हवाले से कोई मसला चल रहा है, या जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी इजीली आप अपनी जिंदगी में अपनी औलाद के फैसले भी कर सकेंगे और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी जो आपके बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। और अगर आप बच्चा चाहते हैं तो बच्चे आपकी जिंदगी में खुद ब खुद एड अप होते हैं, नजर आते हैं। उसके बाद ये वो टाइम है जब आपको आपकी क्रिएटिविटी जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। कहते हैं ना कि जैसे आपके आपके जो एक आम सादा बिल्कुल रॉ चीज को आप तराश खराश के बहुत खूबसूरत बना लेंगे, जैसे एक सादा पत्थर है और एक बहुत ज्यादा खूबसूरत तरशा हुआ पत्थर है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपको ना कोई सिखाएगा ना कोई बताएगा। बहुत सारे एक्वेरियस इन दिनों में कोई काम शुरू करेंगे, जैसे आप अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे वो इंटरनेट पर हो चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, जैसे भी हो आप कोई नया काम करते दिखाई देते हैं। उसके बाद आपके जो दोस्त हैं वो नए दोस्त भी बनते हैं, नजर आते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त जो आपके लिए कारोबारी लिहाज से, फाइनेंशियली लिहाज से, कई लिहाज से, जो भी जिंदगी में आपकी इस वक्त कमी है उसके लिहाज से वो कारामद साबित हो सकते हैं। ऐसे कनेक्शंस बन सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। और वो जो हमारे सिंगल अक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए दिस इज टाइम टू फॉल इन लव। ऐसा लगता है कि मई तक हमारे अक्वेरियस दोस्त जो हैं वो आइदर दे आर फॉलिंग इन लव और दे आर क्रिएटिंग लव, और या उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कोऑपरेशन, लव और ये वाली जो वाइब होती है रोमांस की, ये बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। आप इन दिनों कोई काम कीजिए डिजिटल, जैसे होता है ना, अगर आप डिजिटली वीक हैं या डिजिटल काम में आपका दिल नहीं लगता, तो ये वो टाइम है जब आपकी जो डिजिटल वो है, सेंस है, या आपकी आप टेक सुआवी होते दिखाई देते, लगता है कि आप टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, अपग्रेड करेंगे, अपना कंप्यूटर भी, अपना मोबाइल भी। अब ये अपग्रेडिंग का टाइम है, समा और दी अदर आप अपने आप को और अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने जा रहे हैं, ये जो ट्रांजिट है ये। और ये ट्रांजिट में एक और चीज भी आप सीखने जा रहे हैं, जैसे होता है ना कि रूठे हुओं को मनाना कैसे है, जो लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये भी एक मरहला होता है कि रूठों को मनाना इन्हें बहुत मुश्किल लगता है, बिकॉज ये अपराइट होते हैं और अपने आप को समझते भी अपराइट हैं। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपके भूले बिसरे पुराने बचपन के दोस्त आपकी जिंदगी में आपके साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे, वो लोग जो जिंदगी से जा चुके हैं, गुम चुके हैं, वो आपको दोबारा रिकनेक्ट करते